guys, welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, my name is Nirmeshwari, but you can call me Sonu. So yes, welcome to the Sonu's World. So आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनदर हॉल, हॉल ऑफ कोता मार्केट, नेहरू नगर वाला या फिर लाल दरवाजा वाला भी आप बोल सकते हो. वहाँ पे मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, बहुत सारे हॉल भी मैंने शेयर किए हैं आप लोगों के साथ. सो आज भी मैं शेयर करने वाली हूँ, लेकिन ये हॉल होने वाला है दिवाली स्पेशल. दिवाली के लिए जो मैंने बहुत नहीं थोड़ा कुछ खरीदा है वो आपके साथ शेयर करूँगी. और हाँ, मेरा शॉपिंग व्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत अमेजिंग और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में वहाँ अभी फेस्टिव वियर, एथनिक वियर सब मिल रहा है. तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फेस्टिव सीजन है, दिवाली आ रही है, तो ऑफकोर्स हम स्टार्ट करेंगे अभी फेस्टिव कलेक्शन से. मतलब कुर्ते से ही, एक ही मैंने कुर्ता खरीदा है, वो भी अपने मम्मा के लिए खरीदा है, मेरे लिए नहीं खरीदा. क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं सब जगह पहले घूमाऊँ, देख लूँ, उसके बाद कुछ डिसाइड करूँ. मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि दिवाली के लिए क्या खरीदना है. और स्पेशली मैं दिवाली के लिए इतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती. जो मुझे अच्छा लगता है वो दिवाली के 2-3 दिन पहले ही खरीद लेती हूँ, ऐसा ही करती हूँ हर साल. तो अभी मेरे लिए नहीं खरीदा, लेकिन मेरी मॉम के लिए ये मैंने कुर्ता खरीदा है, जो कि बहुत अच्छे कलर में, यानी कि बहुत लाइट ब्लू कलर में है. और ये पूरा राउंड में है, यहाँ देख सकते हो आपकी बहुत सारी घेर दी हुई है और नीचे भी इन लोगों ने वर्क किया हुआ है. ये बहुत अच्छा लग रहा है पहनने के बाद. मुझे भी लगा कि मुझे भी एक खरीद लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत अच्छा था, प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है. और इसके यहाँ ऊपर आप देख सकते हो सब सीक्वेंस में वर्क किया हुआ है, बहुत अच्छे फ्लावर्स बने हुए. ये मिरर वर्क किया हुआ है पूरे नेक पे, थोड़ी हाई नेक है लेकिन बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है. और पूरे राउंड में आप देख सकते हो कि यहाँ पीछे कुछ नहीं है, लेकिन इसका क्या मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट और वैसे कॉटन का मटेरियल है कि इसके पहनने के बाद भी आपको गर्मी नहीं होगी. और अंदर भी अस्तर, डबल अस्तर दिया हुआ है, इसलिए ये बात अच्छी है कि ये बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ नहीं होगा. आप देख सकते हो सी थ्रू नहीं है इतना ज़्यादा, ये सिर्फ ऊपर का कपड़ा है और अंदर अस्तर दिया हुआ है. इसमें डबल अस्तर है इसीलिए बिल्कुल सी थ्रू नहीं है, तो ये बात मुझे अच्छी लगी. और ये कुर्ता आया था सिर्फ और सिर्फ 750 में. वैसे 850 बोल रहे थे, लेकिन बार्गेनिंग करते करते मैंने 750 तक लाया. 700 बोलती तो शायद दे देते, लेकिन मैं थोड़ी जल्दी में थी इसलिए मैंने 750 में लिया. और बाजू में ये कुछ ऐसे लटकन्स भी दी हुए हैं, ये गोल्डन कलर की आप देख सकते हो. ये भी बहुत प्रीटी लगते हैं यहाँ साइड पर. तो यस, ये एक ये वाला कुर्ता था. एंड द सेकेंड आइटम जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया होगा, अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लेना. वैसे मैं दूसरी या तीसरी बार बोल रही हूँ, लेकिन प्लीज़ देख लेना. वहाँ पे 150 में बहुत सारी टी शर्ट्स और क्रॉप टॉप मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा पूरा ऐसे ढगला करके रखा हुआ था उन लोगों ने. तो वहाँ से मैंने एक ये वाला क्रॉप टॉप खरीदा, ये आप देख सकते हो कुछ ऐसे स्काई ब्लू कलर में है. और पूरे ये हाथ में लॉन्ग स्लीव दी हुई है, और ये बहुत अच्छा मटेरियल है, एकदम बॉडी हगिंग आ रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है. वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कलर भी बहुत अच्छा था जो कि मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने एक ये वाला खरीदा. और ये विंटर्स में भी चल जाएगा, अभी विंटर्स शुरू होने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा एक ऐसा ही क्रॉप टॉप खरीद लेते हैं जो विंटर्स में भी अच्छे से चल जाए और हम कॉलेज ऑफिस में भी पहन सके. ऐसा कुछ इसका मटेरियल भी अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है. ऐसा कलर भी मेरे पास वैसे नहीं था, तो इसलिए ये वाला खरीदा. और सेकंड है ये वाला ब्लू कलर का टी शर्ट. वैसे ये टी शर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हाई नेक दी हुई है और एकदम डार्क ब्लू कलर है, और सिर्फ यहाँ पे कुछ ऐसा रेड कलर का लोगो बना हुआ है. लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल लग रहा है. और अच्छी बात ये है कि इसमें हाई नेक दी हुई है और बीच में जो जीप है, जीप अगर खोल देते हो तो ये पूरा पोलो टी बन जाता है. पोलो टी शर्ट की
तरह भी आप पहन सकते हो, तो ये समर्स में भी अच्छी तरह चल जाएगा। और अगर आपको विंटर्स में पहनने हैं तो ऊपर कोई लेदर की जैकेट या कोई भी श्रग आप पहन के अंदर ये पहन सकते हो हाई नेक करके। तो ये टू वे में हम पहन सकते हैं, इसलिए मैंने लिया। और कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा और 150 में था, तो 150 में तो भाई हम थोड़ी ना छोड़ते हैं, तो एक ये वाला 150 में क्रॉप टॉप लिया। एंड नेक्स्ट इज दिस श्रग, विंटर के लिए बहुत अच्छा स्वेटर टाइप है, बहुत ज़्यादा गर्म है। वैसे मैंने बताया नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पे थ्रिफ्ट क्लोथ भी बहुत मिलते हैं। मैंने लास्ट ईयर जब मैं गई थी तब भी मैंने आपको बोला था और बताया था, और मैंने वहाँ से लिए भी थे स्वेटर्स, बहुत अच्छे थे। तब मुझे सिर्फ और सिर्फ 200 में स्वेटर मिले थे वहाँ से। 200 में तो भाई ज़्यादातर टॉप्स भी नहीं मिलते आज, लेकिन स्वेटर्स भी वहाँ थ्रिफ्ट क्लोथ था इसीलिए बहुत सस्ते मिल रहे थे। तो ये कुछ 150 का था, लेकिन हाँ वहाँ पे साइजेस इतनी अवेलेबल नहीं थी, बहुत बड़ी साइज़ के थे, डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल ऐसे कुछ थे। लेकिन मेरी साइज़ का मुझे ये वाला मिला। ये मुझे भी लूज़ हो रहा है, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है, लूज स्वेटर्स भी अच्छे लगते। वैसे ये कुछ ऐसे श्रग टाइप है, मैं सोच रही हूँ कि बीच में इसमें बटन ज़रूर डाल दूंगी। इसमें बटन कुछ है नहीं, लेकिन अगर बटन डाल दूंगी तो ये अच्छे से यहाँ रह पाएगा, मतलब पहनने के बाद अच्छे से रह पाएगा और अच्छा भी लगेगा, इसलिए कि ये वाला खरीदा। और यकीन मानो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही अच्छा है। और ये भी था सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में। यस 150 रुपीज़ में मुझे पूरा अच्छा सा गर्म कपड़ा मिल गया, ये भी अच्छी बात है। तो बस क्लोथिंग का तो इतना ही मैंने ख़रीदा है, क्योंकि अब मुझे और भी जगह जाना है और उसके भी हॉल और ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हो, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े थोड़े बढ़ सके। प्लीज़ इतना सपोर्ट ज़रूर करना। सो अब आते हैं हमारी नेक्स्ट आइटम पे। तो नेक्स्ट है ये वाली इयररिंग्स, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये वाली इयररिंग्स फ्लावर वाली है, ये आपने व्लॉग में देखा ही होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज थी। बैंगन वाली थी, फिर ऐसे आइसक्रीम वाली थी, पॉपकॉर्न वाली थी, ऐसे कुछ यूनिक चीज़ें मुझे दिखी जो ऑनलाइन भी ऐसी मिलती है, लेकिन ये 400 या 500 की मिलती है। और ये मुझे सिर्फ आई थी 60 रुपीज़ में, इसलिए मैंने एक ये वाली ख़रीद ली, क्योंकि 60 रुपीज़ में ये वर्थ है। ऐसी इयररिंग्स आपको 100 के नीचे कहीं भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने एक ये वाली ख़रीदी। और वहाँ पे बैंगन वाली भी थी, अगर आपने ना देखा हो तो वो भी देख लेना, बहुत ज़्यादा वेराइटीज थी उनके पास। तो एक मैंने ये वाली 60 वाली ख़रीदी, और उसके अलावा एक रिंग ख़रीदी थी जो मुझे अभी मिल नहीं रही, लेकिन हाँ अगर मिल जाएगी तो वो भी आपको मैं फ़ोटो यहीं कहीं डालूंगी, जो कि 20 या 30 रुपये की थी। एंड नेक्स्ट आइटम इज़ दिस स्क्रंचीज, ये मुझे कुछ 10-10 रुपये में मिले। मेरे पास ब्लैक थी जो मैंने खुद ने बनाई थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई, इसलिए मैंने ये एक ब्लैक वाली ले ली जो कि बहुत अच्छी है। अभी आपको पता ही है कि स्क्रंची भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है और ये बालों को बहुत अच्छा रखती है, इसलिए मैंने ये दो खरीदी। एक ये एकदम डार्क ग्रीन मेहंदी कलर में खरीदी और एक ब्लैक में, जो कि 10-10 रुपये में आई थी, इसलिए मैंने ये वाली ले ली। और उसके बाद बाहर जाते वक्त एक बहुत अच्छा स्टॉल आता है जहाँ से नेल आर्ट की बहुत सारी चीज़ें थी, नेल पेंट्स थी, फेक नेल्स थे, सब थे। तो वहाँ पे 20-20 रुपये में नेल मिल रहे थे, फेक नेल्स मिल रहे थे। तो मैंने इस बार ये वाले प्लेन ख़रीदे, क्योंकि मेरे नेल्स ऑलरेडी बड़े होते हैं, ये हाथ के मैंने काट दिए हैं, क्योंकि ये दो मेरे टूट गए थे इसलिए मैंने सभी काट दिए हैं। लेकिन ये वाले मेरे अच्छे बढ़ गए हैं, लेकिन ये वाला भी अभी निकल गया था, मैं बाहर गई थी तो कुत्ते खेलते ये वाला भी टूट गया, इसलिए मैंने ये वाले ख़रीदे। अगर मेरा कोई नेल टूट जाता है तो मैं ऐसा फेक नेल या चिपका के फिर उस पर नेल पेंट कर सकती हूँ, इसलिए ये वाले ख़रीदे। और ये थे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में, और वहाँ पे 20 रुपये में भी बहुत सारे फेक नेल्स मिल रहे थे, अलग अलग कलर्स के मिल रहे थे। तो वो भी आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हो, चेक कर सकते हो। और उसके अलावा नेल आर्ट के लिए मैंने ये छोटू सा ग्लिटर ख़रीदा है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये बहुत छोटू सा ग्लिटर है, ये कुछ ऐसे नियॉन कलर में है, और ये सिर्फ था 10 रुपये में, इसलिए मैंने ख़रीदा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा नेल आर्ट करना बहुत पसंद है। मैं एक अपनी उंगली में कुछ अलग अतरंगी करती रहती हूँ, तो इस वजह से मैंने एक ये वाला ख़रीदा। और बहुत ज़्यादा कलर्स भी थे वहाँ पे, लेकिन मैंने एक ही ख़रीदा, सोचा एक बार ट्राई करूँ, फिर देखते हैं अगर अच्छा लगा तो और जाके ख़रीद लूँगी। और नेक्स्ट है ये वाला नेल आर्ट जो कि पिंक कलर में है, ये इसमें भी बहुत सारे शेड्स थे, बहुत सारी वेराइटी
पीस थी, लेकिन मैंने एक ये वाला खरीदा क्योंकि मुझे भी अभी थोड़ा थोड़ा मैं सीख रही हूँ नेल आर्ट करना, इसलिए मैंने एक ही खरीदा कि चलो पहले देखते हैं कि कैसा लगता है, इसलिए एक पिंक वाला खरीदा। और इसकी प्राइस थी 30 या 40 रुपये थी, मुझे इतनी याद नहीं है, लेकिन हाँ 30-40 आसपास ही थी। और नेक्स्ट मैंने खरीदा ये वाली नेल पेंट, वाइट कलर में है इसलिए आपको अभी इतनी दिख नहीं रही, ये कुछ वाइट कलर में मैंने खरीदी है क्योंकि मेरे पास वाइट ख़त्म हो गई है। मेरे पास ऑलरेडी मेट भी थी और शाइनिंग वाली भी थी, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा वाइट नेल पेंट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने नेल्स पे वाइट नेल पेंट, मतलब हाथ पे भी वो बहुत सूट होती है, इसलिए मैंने ये वाली खरीदी और ये भी थी सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये की। सो या दैट्स इट, मैंने वहाँ से इतनी ही आइटम्स खरीदी, सब आपके साथ शेयर कर दी है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना मेरे वीडियो को। और अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मत करना, मैं बहुत सारे वीडियोज में कहना भूल गई हूँ, लेकिन हाँ मुझे अभी याद आया कि मैं इंस्टाग्राम आईडी आपके साथ शेयर ही नहीं करी। तो दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट, आप यहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो, या फिर शॉपिंग ब्लॉग रिलेटेड आपको कोई पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स या मुझे डीएम कर सकते हो। सो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, मैं और ब्लॉग लेके आऊँगी। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।